नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में 26 सितंबर की शाम को गन्ने के खेत में युवती के चार युवकों ने बंदूक दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर को भी बांधकर उसे मारा पीटा। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने नहीं सुनी। पीड़िता के मां ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा। साथ ही महाराजगंज थाने की पुलिस पर भी आरोप लगाया कि राजनीति प्रभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महाराजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली माँ बेटी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। माँ ने बताया कि यह समूह की सदस्य है। समूह में कार्य से 26 सितंबर की शाम बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों उनकी मड़ई में घुसे और पुत्री को असलहे के बल पर अपहरण कर ले गए और खेत में ले जाकर उसे सामूहिक दुष्कर्म किया। जब वह घर पहुंची तो बगल के खेत में बेटी बेहोश की हालत में मिली। उसके हाथ पर बंधे थे, कपड़ा फटे हुए थे। पीड़िता की माँ और गाँव के लोग पुलिस 112 पर कॉल किए लेकिन नहीं लग रहा था। थाने पर सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और पूरी घटना को देखा। इसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत कराने गई तो पुलिस आरोपियों के प्रभाव में आकर खुद प्रार्थना पत्र लिखवाकर दूसरी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती का इलाज इस समय जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि CSC महाराजगंज में युवती का मेडिकल लीगल हुआ जिसमें उसके शरीर में 6 चोटें दर्शाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेप की शिकायत की जाती तो थाने में FIR होने के बाद भी पुलिस के कहने पर मेडिकल कराया जाएगा। मामले में युवती की मां ग्रामीणों के साथ गुरुवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर रेप का मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 26 सितंबर को महाराजगंज थाने की एक महिला के तहरीर दी कि पैसे के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति चंद्रशील मौर्य ने उसके साथ मारपीट की है। इस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में SC ST एक्ट अभियोग भी लगाया गया। विवेचना CO सगड़ी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में जब लड़की के बयान के लिए बुलाया गया तो लड़की ने बताया कि मेरे साथ गैंगरेप और अपहरण जैसी घटना हुई है। इस विवेचना के क्रम में CO सगड़ी को निर्देशित कर दिया गया कि इसका बयान कोर्ट के माध्यम से करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आए उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की करे। लड़की का मेडिकल करा कर जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर कार्रवाई करे। घटना घटी है बिटिया के साथ। बिटिया के साथ हमारे घटना घटी है 26 तारीख को 3:30 बजे। बारिश बहुत काफी पड़ रही थी। कोई मड़ई में बकरी बांध रही थी। मड़ई में सन चार लोग गन्ने के खेत बगल में कोई वो खेत में सन निकले गन्ने खेत से चारों लोग मुंह पकड़ करके उनका उठा ली गए गन्ने के खेत में ले जा करके और उनको जो है संगे बहुत बदतमीजी किए हैं, छेड़ाखानी किए हैं, बाकी कपड़ा वपड़ा तहस नहस कर दिए हैं। रिवाल्वर के साथ उनको बहुत बेरहमी से सेंदूर वेंदूर सब कुछ पहना दिया। हाथ पैर मुंह बांध के उनको कोई गन्ने खेत में ले जा के फिर उसके बाद लेके भाग रहे थे। बोले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर किसी से कहोगी अपने घर वाले को तुमको तुम्हारे घर वाले को खत्म कर देंगे जान से। कौन लोग है? चंचल मौर्या यहाँ का कार है। चंचल मौर्या का चंचल मौर्या विजय बहादुर मौर्या पुत्र है। उसी के लड़के को पहचान गई है। मुंह उसका खुला था, बाकी तीन लोग का मुंह बंधा रहा। यही हमारे साथ घटना हुई है। बिटिया किस क्लास में पढ़ती है? कितने साल उम्र है इसकी? उसकी सन 2004 20 साल की है। 20 साल की है। हाँ पढ़ती है? नहीं, हमारे बेवंत नहीं, हम गरीब परिवार हैं, बेसहा, हमारे पास कुछ नहीं है। शिकायत आपने थाने पे किया? थाने होने पे कहीं नहीं किए हैं। हम वहाँ किए हैं। हम तो देख करके लड़की को अपने घबरा गए। 3:30 बजे का एक गपत हुई थी। फिर उसके बाद बारिश काफ़ी पड़ने की वजह से गांव के लोग सब अपने अपने घर में थे। बाकी हम वहाँ ऑडिट करते हैं, सोशल ऑडिट में रहते हैं। उस समय हमको ड्यूटी पे गए थे। हम वहाँ बारिश के वजह से फंस गए थे। हम यहाँ आए 5 बजे तो वहाँ एक लड़का कोई टट्टी करने के गया तो उसी लड़के देखा लेके चले भाग गए लोग छोड़ के। वहीं हाथ मुंह पैर बंधा था और वो दूसरे खेत में
घर से 200 किलोमीटर दूर पे वहाँ छोड़ के फेंक के भाग गए लोग। पुलिस को आपने तो पुलिस 112 जब हम लोग को जानकारी मिला तो बिटिया हमारी वहाँ मुर्दा होके पड़ी थी, तो पुलिस को सूचना 112 पे डायल किया, वो बंद बताया। फिर स्वयं कोतवाल साहब के फ़ोन किए तो कोतवाल साहब अपने खुद गए मौके पे, वहाँ देखे हैं, लेके गए हैं। हमारे साथ कोई नहीं, खाली हमारे साथ हम, हमारी जेठान, हमारी बिटिया को लेकर के हम लोग गए थे। एक हमारे गांव का देवर था, वो गए थे। उसी के बाद ये लोग अपने मर्जी, हम लोग तो घबरा के, हम लोग तो खुद एकदम बेहोशी हालत में, लड़की हमारी मर गई है कि जिंदी है, तो वहाँ लेकर के गए। सीधे थाने पे नहीं गए हैं, फिर वहाँ गए हैं महाराजगंज ब्लॉक पे, ब्लॉक से वहाँ एडमिट कराएं कि नहीं कराएं वो हमको नहीं पता, हम खुद घबराई हुई थी। उसके बाद अब वहाँ हम अपनी बिटिया का हालत खाली देख रहे कि लड़की हमारी जिंदा है कि मर गई है। तो कपड़ा वहाँ चदरा वदरा सब दूसरे घर से आया तो लपेट करके हम लोग उसको सुखवा रहे थे, लेकिन लड़की हमारी बेहोशी हालत में पड़ी थी। तो हम बोले कि कोतवाल साहब से कि हमारा घर से कपड़ा मंगाया जाए, लेकिन कोतवाल साहब अपना 2 सिपाही के भेजे, कपड़ा मार्केट से मंगाया गया और वहाँ हमारे स्तर से पहनाया गया, हम पहनाए खुद अपने हाथ से। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ आए हैं, पहले वहाँ थाने पर गए हैं, और थाने पर से हमको वहाँ सदर हॉस्पिटल भेजा गया है सीटी स्कैन के लिए और सोनोग्राफी के लिए। तो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन का डॉक्टर नहीं है वहाँ, फिर यहाँ लोग भेजे। हमारी लड़की का दर दिन पे दिन स्थिति गड़बड़ हो रही है, एडमिट नहीं ले रहे, एडमिट कोई नहीं ले रहा है। क्या बोले सदर वाले? सदर वाले बोले हैं कि हम सीटी स्कैन और सोनोग्राफी वाला डॉक्टर नहीं है, कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, यही हमको बस भुलवावा दे रहे हैं। क्या बोले यहाँ, क्या कह रहे थे? महिला हॉस्पिटल वाली बोली हैं कि जब तक यहाँ से, डॉक्टर खुद बोले हैं कि जब तक यहाँ रिफर नहीं हमको मिलेगा, रेपिन वाला किडनेपिंग वाला बात है तो हम यहाँ भर्ती नहीं लेंगे। तो ये बताइए, पुलिस ने मुकदमा रेप का नहीं दर्ज किया? नहीं, रेप वेप का कुछ नहीं, ये घटना पूरा जो हमारे साथ घटी है उस दिन, उस घटना के बारे में कुछ नहीं लिखी है न वो। क्या मुकदमा दर्ज किया, मारपीट का खाली दर्ज किया? मुकदमा हमसे कुछ नहीं पूछा गया है, लड़की बेहोशी हालत में घबराई हुई थी, ओके जैसे बोतल लगवाए थे और जब थोड़ा सा उसको होश या तनी तनी होश जब आ जाती है तो अपने मर्जी से क्या क्या, कोतवाल साहब अंदर हम जा रहे थे तो हमको बोले कि तुम मत आओ। क्या चाहती है? हम इंसाफ चाहते हैं और न्याय हमको मिलना चाहिए, हम गरीब परिवार से। जो चंद्रशेखर आरोपी है, उनका लड़का है, वो किसी नेता का करीबी है क्या? अब हमको ये नहीं पता है, अब वो जब मुलजिम पकड़ा जाएगा वही बताएगा। हमारा यही कहना है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय दिलाइए, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए, बस। एजेंट साहब है, उसके परिवार का आरोप है कि उसके साथ रेप की घटना हुई है और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट भी लिया जा रहा था, हालांकि अब एडमिट करा लिया गया। क्या आपको जानकारी है और क्या है उसकी स्थिति कैसी? देखिए, इसका पेपर सामने है, ये CSC महाराजगंज पे मेडिको लीगल हुआ है इस बच्ची का, ठीक है। और ये इस पर 5-6 चोटें लिखी गई हैं जिसमें एवरेजन है, कंप्लेन ऑफ पेन है, और महाराजगंज के मेडिकल ऑफिसर ने इसको रिफ़र किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहीं से भी ये महिला अस्पताल में रिफ़र नहीं की गई है और नहीं कोई सेक्सुअल असाल्ट की इसमें कोई चर्चा है, ठीक है। तो महिला अस्पताल की तो ये न रिफरेंस केस है, अनोइंग है, अनमैरिड लड़की है। अब किसी कारण से महिला अस्पताल में आ गई, क्योंकि वो एक मनुष्य है और उसको कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ आ गई, वो पेन ऑफ एब्डोमेन करके है तो हम लोगों ने उसका इलाज करते। लेकिन हमारे यहाँ रिक्विजिशन न पुलिस का है और ना ही इस डॉक्टर ने हमें रिफ़र किया है। तो मेडिको लीगल के पर्पज़ से तो हमारे यहाँ रिफ़र नहीं, पेशेंट के पर्पज से हमारे यहाँ है, उस पेट के एब्डोमेन बता रही, पेट में दर्द बता रही है, हमारे डॉक्टर ने देख लिया, उसका इलाज कर रहा है। किसी तरह का यदि बात रेप की होती है, सेक्सुअल असॉल्ट की होती है, तो एक एप्लीकेशन थाने पे दी जाती है, वहाँ से एक FIR के बाद जनरेट होती है और पुलिस एक रिक्वेस्ट देती है कि साहब इसके साथ ये चीज़ हुई है,
और आप इसकी आंतरिक और ये जांच करके हमें कराइए। वो आता तो हमारी महिला डॉक्टर जो डॉक्टर हम करती हैं करा कर उसको रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन अब इस तरह कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है और ना ही जो डॉक्टर किया वो हमें भेजा आप कुछ करने के लिए। कुल मिला के मेडिको लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस महिला अस्पताल में रिफर नहीं, ये केस मेडिकल लीगल के पॉइंट से जिला अस्पताल रिफर है। हमारे यहाँ ये चूंकि आ गई है बताइए कि सब पेट में दर्द हो रहा था, हमारे डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, इतनी सी बात है। अब कल जाएगी मेडिको वहाँ मेडिको लीगल पॉइंट से, कहीं भी इस पेपर में कहीं भी इसको सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा नहीं, न पुलिस का रिक्विजिशन है न ही डॉक्टर ने चर्चा करी। महाराजगंज थाना क्षेत्र की 21 वर्षीय युवती ने एक गैंगरेप का आरोप लगाया है, इस समय युवती का इलाज महिला हॉस्पिटल में चल रहा है, क्या मामला है और क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना महाराजगंज पर एक महिला ने आकर ये तहरीर दी कि उसकी पैसे के लेन देन के संबंध में एक व्यक्ति हैं चंद्रशील मौर्य, उनके द्वारा मारपीट की गई है, जिस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे में विवेचना क्योंकि SC ST अभियोग भी लगा है उसमें, तो उसकी विवेचना CO सगड़ी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में जब लड़की का बयान के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि मेरे साथ गैंगरेप और अपहरण जैसी घटना हुई है। इस विवेचना के क्रम में ही CO सगड़ी को निर्देशित कर दिया गया है कि इनका बयान कोर्ट के माध्यम से कराकर जो भी तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करें, लड़की का मेडिकल कराएं और जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर कार्रवाई करें। सर आरोप किस पे लगाया है? आरोप उसी व्यक्ति पे लगाया है जिसके साथ लेन देन है और जिसके लिए पुरानी जो तहरीर है उसमें मारपीट की बात दी थी, उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेपी घटना भी कारित की गई है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।